हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने थंबनेल को देखकर क्लिक किया है तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और सब्सक्राइबर के ऊपर मत जाइएगा कि सब्सक्राइबर कम है तो कंटेंट अच्छा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी कंटेंट बना के आप लोगों को देता हूँ वो बहुत ही रिसर्च करने के बाद में ही देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट के बारे में, कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या एडवांटेज होते हैं, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या इस बैंक में अकाउंट ओपन करना सही रहता है कि नहीं रहता है। सब कुछ इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस सेविंग्स अकाउंट को कौन कौन ओपन कर सकते हैं और कौन कौन ओपन नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेविंग्स अकाउंट को हर कोई ओपन कर सकता है, लेकिन शर्त इतना है कि आपके पास एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना चाहिए, साथ में आपका एज 18 प्लस होना चाहिए और आप इंडियन होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके एवरेज मंथली बैलेंस के बारे में, कि अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो इसमें इनिशियल फंडिंग कितनी करनी पड़ती है। देखिए, मैं पहले फंडिंग की बात करता हूँ कि एक्सिस बैंक में जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको पेमेंट कितना डिपॉजिट करना होता है, उसके बाद हम एवरेज मंथली बैलेंस की बात करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, मेट्रो में 16,000 रुपीज आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है, और वहीं पर अगर हम अर्बन की बात करें तो यहाँ पर आपको 15,000 रुपीज आपको फंडिंग करनी होती है, और सेमी अर्बन की बात करें तो यहाँ पर आपको 6,000 रुपये फंडिंग करनी होती है, और रूरल में 3,000 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज मंथली बैलेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको रूरल में 2,500 रुपये और सेमी अर्बन में 5,000 रुपये, और वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 12,000 रुपये मेंटेन करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके चार्जेस के बारे में, कि अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट में अपना जो एवरेज मंथली बैलेंस होता है उसको अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो कितना रुपीस ये बैंक चार्ज करता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस बैंक सबसे, मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा एक्सिस बैंक ही चार्ज करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर 100 रुपये भी कम होता है, जैसे कि रूरल में अगर आपका अकाउंट है और वहां पर अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये भी कम हो सकता है, अगर मान लीजिए अगर आप 2,500 रुपये रखे हैं और उसमें से 100 रुपये कम हो गया, तो यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक को पर 100 रुपये के ऊपर 7.05 रुपये का चार्ज देना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 1,000 रुपये कम हो गया, तो यहाँ पर आपको करीब करीब पड़ जाएगा 79-80 रुपये के आसपास चार्ज। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर जो एवरेज मंथली बैलेंस है वो मेंटेन रखिए, मेंटेन नहीं रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर लेता है एक्सिस बैंक। अब हम बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड की, तो डेबिट कार्ड में क्या होता है, अगर आप इस अकाउंट में डेबिट कार्ड जो आता है जो एक्सिस बैंक खुद देता है, तो यहाँ पर एक्सिस बैंक 200 रुपये प्लस GST का चार्ज करता है, लेकिन अगर आप अलग से प्लेटिनम डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कितना देना होता है, यहाँ पर आपको 300 रुपये प्लस GST का चार्ज देना होता है, जो कि ये एनुअली काटा जाता है। अब इस अकाउंट में फ्रेंड्स, आपको एक चेकबुक दिया जाता है जो कि 20 पेज का होता है, साल में एक चेकबुक फ्री दिया जाता है, और अगर आप उससे ज़्यादा चेकबुक लेना चाहते हैं तो आपको पर पेज 4 रुपये देना होता है एक्सिस बैंक को। और फ्रेंड्स, इस अकाउंट में आपको 15 ट्रांजेक्शंस फ्री दिया जाता है, आप 15 ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं जो कि आउट वार्ड या फिर इन वार्ड में। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ब्रांच से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 15 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, और उससे ऊपर अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर कैश डिपॉजिट आप 15 बार कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट आप मैक्सिमम यहां पर 3 ही बार कर सकते हैं, उसके ऊपर करेंगे तो एक्सिस बैंक चार्ज करेगा। और यहां पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि NEFT, RTGS, IMPS और UPI के बारे में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर ये जानना है कि IMPS, RTGS और NEFT करने पर ये बैंक कितना चार्ज करता है, तो वो मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है NEFT, RTGS, IMPS का, तो वो वीडियो आप देख करके समझ जाएंगे कि कितना चार्ज ये एक्सिस बैंक करता है। ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में डाउट कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।